हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हिटैची एसी का रिव्यू। तो मुझे लगा मुझे आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करना चाहिए, और ये काफ़ी बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, अगर आप किसी अच्छे एसी के तलाश में हो तब आप हिटैची की तरफ जा सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं ये दिखने में कैसा है और क्या क्या फीचर्स हैं इसके। तो आप देख सकते हैं ये है इसका ओवरऑल लुक, ये है हिटाची कंपनी का। तो ये है इसका पावर का बटन, यहाँ से ये ऑन होता है। अब मैं बता देती हूँ आपको इसके बाकी के फंक्शंस। तो सबसे पहले टाइमर दिया गया है, यहाँ पे स्विंग के दो टाइप दिए गए हैं, एक पे स्विंग करता है, एक पे स्लीप करता है। फैन के अंदर तीन ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं हाई, मीडियम, लो। ये टेम्परेचर वाली विंडो है, इसको आप प्लस माइनस कर सकते हैं, यहाँ पर आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। मोड इसके अंदर चार हैं, ऑटो मतलब अपने आप कूल करेगा उस टाइम पर ये, फैन तो आपको पता है फैन चलेगा जो नॉर्मल फैन चलता है, देन ड्राई चलेगा तो यहाँ से बंद हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये है इसका रिमोट, इसके अंदर यहाँ पे टेम्परेचर विंडो दी गई है, फैन की स्पीड के बारे में बताया गया है, हाई, मीडियम, लो। देन आ जाता है टेम्परेचर, इससे आप बढ़ा सकते हैं, इससे आप कम कर सकते हैं। मोड दिए गए हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं आप, फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं और स्विंग कर सकते हैं एसी को। और इकोनॉमी का ऑप्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं टाइमिंग का ऑप्शन दिया गया है, टाइमर को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, ये 3 स्टार एसी है। अगर हम इसकी एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो 2.95 की है। ये है विंडो एसी, हिटैची है। मॉडल नंबर आप देख सकते हो, मॉडल नंबर ये है। और इसकी जो है हीटिंग पंप इसके अंदर नहीं दिया गया है, और जो विजिबल स्पीड कंप्रेसर होता है वो भी नहीं है, तो आवाज़ बिल्कुल नहीं आती है जब भी आप इसको ऑन करोगे। तो आप देख सकते हैं पावर कंजम्पशन जो है इसकी वो है 1190, ये मैंने लिया था 2014 में, आप लगा सकते हैं 20 आ गया है, 6 साल होने वाले हैं। इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं की है मैंने, तो अगर आप लेना चाहते हैं तब आप इसको ले सकते हैं। बाकी अगर कस्टमर सर्विस की बात करूं तो आप इन्हें बार बार फॉलोअप करोगे तभी ये आते हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ। तो मैंने इस एसी को 2014 में परचेज किया था, तब ये 25-26 के आसपास था, अभी कितने का है प्राइस देख सकते हैं। प्रॉब्लम मुझे कोई नहीं आई है, 6 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आप भी गर्मियों से परेशान हैं और एक बेस्ट बजट ऑप्शन की तलाश में हैं तब आप ये हिटैची वाला एसी ले सकते हैं, मॉडल नंबर आप इसके लेबल के ऊपर पढ़ सकते हैं। तो यही थी बस मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ, बाय।